तो पाश्चात्य देश में राधा माधव की जय जयकार हो रहा है। राधा माधव हरि श्री कृष्णा परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, चैतन्य महापुरुष का आशीर्वाद। शीत दर्पणमाजनम भव महादावाग्नि पापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधि जीवनम आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम परम विजय श्रीकृष्ण। चैतन्य महावीर की आशीर्वाद। इसमें हमारा कोई कारीगरी है नहीं, चैतन्य महाप्रभु उनकी इच्छा थी। पृथ्वी ते आछे जोतो नवराधि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वे मोर नाम, ये उनकी इच्छा, भगवान की इच्छा जरूर कभी ना कभी पूर्ण हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु का ये आज्ञा कि भारत भूमि से मनुष्य जन्म है जो ज्ञान जन्म सार्थक करी करो परोपकार, ये परोपकार है। सारा दुनिया भगवान को भूल गया है, कोई बोलता है कि भगवान मर गया है, कोई बोलता है मैं भगवान हूं, कोई बोलता है भगवान को कहां ढूंढते हो, ये तरह सरा सरा भगवान घूम रहा है। इसी प्रकार करके सब दुनिया को नास्तिक बना दिया। और जो भारत भूमि धर्म भूमि जो कि अनेक पुण्य फल से ये भूमि में जन्म होता है, ये लोग भी भूल गया सेक्युलर से। तो अभी दिल्ली में हम लोग का उत्सव हुआ था, तो अच्छे अच्छे सब भव्य व्यक्ति सब आए थे, गवर्नर भी आए थे और साइंटिस्ट डॉक्टर आत्माराम और सब बड़े बड़े सब आदमी सब आए थे, नंदा जी भी आए थे। तो मैं यही समझा रहा हूं कि ये जो आप लोग सेक्युलर स्टेट किया है, इसमें कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि धर्म निरपेक्ष होना का अर्थ होता है कि प्रजा को गधा और सुअर बना देना। तो गधा और सुअर का असेंबली होकर के कभी दुनिया में सुख होता है, ये हमारा बनाया हुआ बात नहीं है, ये शास्त्र का बात है। कबीर बढ़ाऊ सौ, जो भगवान से जिसका संपर्क है नहीं तो जानवर तो है ही है, और जानवर के भीतर भी विशेष करके कुत्ता और सुअर और उष्ट्र और गधा, तो सबको मैं यही समझा रहा हूं। ये जो आप लोग सब विचार किया है जो धर्महीन कर देना, राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को देखना चाहिए जो ठीक ठीक धर्म पालन हो रहा है कि नहीं, ये राजा का शासन नहीं, ये राजा का कर्तव्य है। ब्राह्मण ठीक ठीक अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, क्षत्रिय ठीक ठीक अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, देखना चाहिए कि राजा का कर्तव्य है। और अपना अपना धर्म दो प्रकार होता है, पर अपर, पर अपर, अपर धर्म भौतिक जैसे वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विचार। जब तक मनुष्य ये वर्णाश्रम धर्म का भीतर नहीं आएगा उसको मनुष्य ही नहीं गिना जाए,
उन्होंने सही है। भगवत गीता में जहां वो श्लोक आया मनुष्याणाम सहस्रेषु तच्छिद्यति सिद्ध, तो मनुष्या उस विषय में श्री रामानुचार्य पार्षद हैं शास्त्र अधिकार यज्ञ, इसको शास्त्र में अधिकार हुआ है, इस प्रकार व्यक्ति मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य ही नहीं है। तो देखिए हमारा भारतवर्ष में वैदिक सभ्यता वेद वेदांत पुराण आदि शास्त्र सब मौजूद है, कोई हमको रिसर्च करने का है ही नहीं, सब चीज मौजूद है, केवल ग्रहण करना चाहिए, वो हम लोग ग्रहण नहीं करते। हम बार्कली यूनिवर्सिटी में जब प्रवचन दे रहा था तो उस समय एक इंडियन स्टूडेंट हमको पूछा, स्वामी जी ये कीर्तन प्रचार करके क्या लाभ होगा, अभी तो टेक्नोलॉजी चाहिए। तो मैं क्या कहूं, उसको जवाब दिया, देखो जी तुम तो टेक्नोलॉजी के लिए इधर भिक्षा करने को आए हो, अब मैं कुछ इधर देने को आए, इतना ही कहा। तुम्हारा टेक्नोलॉजी वाला जितने गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट बड़े बड़े मिनिस्टर अमेरिका में आते हैं, हमको चावल दीजिए, गेहूं दीजिए, पैसा दीजिए, अस्त्र दीजिए, केवल भीख मांगना, और मैं जो चीज ले आया है ये भीख मांगने का नहीं, हम उसको देने के लिए, इतना ही फर्क है तुमसे हम। ऐसे और एक लड़की पूछी कि महाराज भगवान क्या चीज है, देखो जी तुम इंडियन लड़की है और जहां भगवान रामचंद्र भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ जन्म हुआ, अब तुम पूछ रहे हो कि भगवान क्या चीज है, कितना दुर्दशा हुई है। तो केवल भारतवर्ष नहीं सारा दुनिया में गॉडलेस हो गया, भगवान को भूल गया, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है चाहे क्रिश्चियन है, भगवान को हो भूल गया। तो हमारा ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है ये कोई अपनी मन माफी का एक मूवमेंट हम चालू किया है, ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत साइंटिफिक वैज्ञानिक ज्ञानम विज्ञानम सहित सभी ज्ञान, ये तो विज्ञान सहित है, सब जगह में ही समझा, फुल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज कृष्ण कॉन्शियसनेस, इट इज नॉट ए बोगस कॉन्कॉक्टेड मूवमेंट। हाँ लोग समझता है, अभी अमेरिका में प्रेसिडेंट भी हम लोग का मूवमेंट का खबर ले रहा है, ये तो बहुत अच्छी मूवमेंट है, क्योंकि वो अमेरिका में नौजवान सब इतना नशाखोर हो गया है कि गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रहा है नशा मिटाने के लिए, बाकी कुछ सफलता उनको मिला नहीं। परंतु हमारा जो शिष्य है जो थोड़ा बहुत है वो सब छोड़ दिया, मांस मछली अंडा सब छोड़ दिया, और शराब पर तो बात ही छोड़ दीजिए, बीड़ी भी नहीं पीते हैं, चाय भी नहीं पीते, और शाकाहार है भगवान का प्रसाद, और जुआ खेलता नहीं, और ये चार चीज उनका अवैध स्त्री संग नहीं करते हैं, तुजस्ना पान दुतुजस्त पाप चतुर्विध, ये चार प्रकार के पाप जो है ये सब छोड़, और भगवान को मिलने के लिए जब तक पाप मुक्त नहीं होता है, वह भगवत गीता में श्लोक है जीसाम अंत गौतम पापम, जीसाम अंत गौतम पापम जनानाम पुण्यकर्मा, कृष्ण भजन करना साधारण बात नहीं है, भगवान खुद कहते हैं जीसाम अंत गौतम पापम जनानाम पुण्यकर्मा,
ते दंड महानिमुक्त भजन ते मांग दृढ़व्रत। दृढ़व्रत होकर के जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया है चैतन्य कविराज गोस्वामी कि कृष्ण भक्ति कोइले सर्वकर्म कृत है। बात तो यही है, भगवान खुद भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। बात तो यही है, बहुनाम जन्मनाम अंत ज्ञानवान मान प्रपत्त। तो बात यही है, खाली समझने का फेर है। तो इनका सुविधा यही है कि इनको बता दिया गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और इसका ब्रेन में कुछ हौज नहीं था, इसलिए वो भगवान कृष्ण को कृष्णस्तु भगवान स्वयं मान लिया। और हमारा भारतवर्ष में एक दुर्दशा है, अगर कहा जाए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो कहें कि क्यों कृष्ण क्यों होगा, हमारा एक भगवान है धीनी कृष्ण है, वो कृष्ण है, वो कृष्ण कृष्ण है, ये कृष्ण का अवतार है, ये भगवान का अवतार है, ये सब झंझट लिया। उनका दिमाग में ये झंझट नहीं, मान लिया कृष्णस्तु भगवान स्वयं बस। और वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए नाम नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न का नाम नाम, नाम से नाम ही कोई फर्क नहीं, जो नाम ही नाम ही, ये भी वो समझ लिया। हाँ, तो विश्वास कर लिया। इसलिए जब भगवान का नाम कहते हैं, आप लोग देखे हैं अभी, बड़ा प्रेम से करते हैं, क्योंकि उसको विश्वास है श्याम कृष्ण हमारे जीवा में नर्तन कर रहे हैं। तो स्वल्पगुण बताएंगे राजन विश्वास नहीं हो जाए, जिसका अल्पगुण है उसको विश्वास होता है, बाकी ये लोग सब पुण्यवान है, क्योंकि जन्म सज्ज सुख श्री ये चार चीज पुण्य से होता है। तो इसको बैकग्राउंड में पुण्य है, वो चाहे स्वभाव से जो कुछ हो, और बड़े आदमी का घर में व्यभिचार होता ही है सब जगह, इसका बस पैसा होता है, इसलिए ज्यादा धनी होना भगवत भक्ति के विषय में बाधा है। तो इसको पुण्य क्यों कहते हैं, देखिए इनका जन्म अमेरिका में है, कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं है, जिसका हम लोग गरीब कहते हैं वो बात उधर है ही नहीं। और उनका जो गरीब है उसको 5,000 रूपया महीना में, जो हमारा हाईकोर्ट का जज को मिलता है, तो गरीब उधर है ही नहीं, बिल्कुल है गरीब तो है ही नहीं। और पैसा उनको इतना मिलता है जो रास्ता में फेंक देता है। अब ये लोग हमारा जो शिष्य है, ये लोग तो गरीब नहीं है, हम गरीब का देश का है, वो जब कपड़ा लत्ता और खाने का चीज सब नष्ट करता है, उनको शासन करते हैं, क्यों ऐसा करते वो जानते ही नहीं, तो फेंक देता है। एक कपड़ा एक दिन पहरा दूसरे दिन फेंक दिया, और कपड़ा चाहिए। कहने का मतलब है जो ये जो जन्म अच्छा घर में जन्म होना, धनी का घर में जन्म होना, ये तो पुण्य से होता है, तो उनका पास है धन तो है ही, तो क्यों वो पुण्यवान नहीं, जरूर पुण्य है। और जन्म अच्छा घर में हुआ, अच्छा नेशन, और ऐसा जो अमेरिका ऐसे पैसा किस कितना पास, जैसे गरीब आदमी आपने आपको सुनाया, इस गरीब से गरीब जो है उसको 5,000 रूपया इनकम, कहीं भी जाए $10, एक घंटा का काम करिए $10 होता है कि हमारा एक्सचेंज कम से कम 100 रूपया, ऐसे पैसे देता है। इसलिए पैसा उनको बहुत ज्यादा मिलता है, जो काम करने वाला है उसको $20-25 मिल गया
तो वो एक हफ्ता काम ही नहीं है। हाँ, पैसे उनके पास काफी हो गए। दिन में $25 $40 $100 ऐसे ऐसे उपाय कर, तो गरीब तो है बिल्कुल, अमेरिका में गरीब है, वो खुशी से गरीब बनता है। हाँ, वो जो हिपीज है आप लोग देखे हैं, वो अपनी खुशी से गरीब बने, वास्तव में गरीब नहीं है। तो जन्म ईश्वर जो हुआ अश्रुता, भले अमेरिका से विद्वान कौन हो सके, जो चंद लोग में जा रहे हैं आजकल विद्या का, जड़ विद्या का श्रेष्ठ। और श्री देखिए उनका सब कितना सुंदर सुंदर चेहरा। तो जन्म ईश्वर जो सुत श्री, अगर ये पुण्य से होता है तो जरूर उनका पुण्य है बैकग्राउंड। इसीलिए मैं उनको बोलता हूं कि देखो जी, तुम्हारा पुण्य तो जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं, और पुण्य से तुमको सब कुछ मिला है, अब इसको भगवत भजन में प्रयोग करो, तब तुम फर्स्ट क्लास नेशन हो जाओ। अवकाश भी वो लोग ले रहे हैं। और देखिए वो 3-4 बरस हमारा साथ में है, और देखिए कितना प्रेम से कस्टमर को विचार की है, त्याग तो दिया ही है, और उसको प्रेम देखिए भगवत प्रेम। तो ये सब विचार है। यदि परदेश में जहां की कृष्णा, उनका बाप दादा कभी नाम भी नहीं सुना था, सुना होगा भी वो भी कोई समझ लीजिए क्या बोलता है, ढोंग से सुना कि कृष्णा है, लंपट है, और वो गोपी से नाचता है, मजा करता है, वह जितना ही सुना है, क्योंकि यही सुनाया जाता है। हमारा जो भागवत पाठक होते हैं वो पहले ही रासलीला, जो कृष्ण को समझाए नहीं उसका विधान में रासलीला, तो यही प्रचार। बहुत आदमी हमको प्रश्न करते हैं कि आप पर कृष्ण तो ऐसे करते हैं, 16,000 स्त्री, तो मैं जवाब देता हूं कि अगर भगवान है कृष्ण तो 16,000 का, अगर 16 करोड़ शादी कर लें तो उसके लिए क्या ज्यादा, अगर भगवान भोक्तारम जगत अवसाम सर्वलोको महेश्वरम, भगवान यदि भोक्ता है तो वही तो भोग करने वाला है, तुम जो एक श्री रखे हो वही तुम्हारा चोरी है। ये जवाब मैं देता हूं, क्योंकि इफ ही इज भोक्ता इज द सुप्रीम एंजॉयर, देन एवरीथिंग शुड बी एंजॉयड बाय हिम, यू आर नॉट एंजॉय। तो कारण यही है कि कृष्ण को तात्विक समझाया नहीं गया था, इसलिए सारा दुनिया में कृष्ण को कोई कुछ करता है कोई कुछ। अब जानती मान मूढ़ा बूका गधा लोग जो है वो कृष्ण को अब ज्ञान करते और नरक में जाते, ये परिस्थिति। तो मैं ज्यादा बोलने को नहीं चाहता हूं, आप लोग से निवेदन है, आप लोग साहब वृंदावन वासी है और कृष्ण का आपका प्राण धन है ही है, तो कृष्ण का है, कृष्ण कौन सा स्नेह, कृष्ण भावना अमृत का खरीददार सारा दुनिया में है। आप लोग इधर खाली बैठ के हरे कृष्ण नाम बोलिए, बाहर जाइए, यह माना नहीं, ये ठीक है अपने के लिए भजन करते हैं निर्जन भजन, बाकी कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए खरीदार बहुत है। चैतन्य महाप्रभु भी बताए थे अकेला हमें नहीं पाए, तो भगवान कहते हमारा पैर में इतना बल नहीं है जब हम अकेले सब प्रचार करें, तो हम तो एक मनुष्य साधन है, हम कहां तक करें। ताकि आप लोग को ये संवाद दे रहा हूं कि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस ये ऐसी चीज है, इसका खरीदार बहुत है। आप सब बाहर जाइए, अनशन बतिए नहीं कि मैं ब्रह्म है और सब ब्रह्म है, सब भगवान हो गया, असल चीज समझाइए, देखिए
आप लोग थोड़ा ही से पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं, आप सारा दुनिया को हिंदुस्तान बना दें। यदि आप ठीक ठीक विदाउट एनी एडल्टरेशन यू प्लीज कृष्ण कॉन्सियसनेस द होल वर्ल्ड विल एक्सेप्ट योर दैट इन्फॉर्मेशन आई गिव देयर सो मच व्हाई नॉट। असल तो चीज तो है, असल चीज कहीं में ले जाइए उसे खरीदना होगा, और नकल चीज जुआ चुरी चीज देने जाने से तो बक बक की जितना कीजिए उसको कभी कोई नहीं। ये हमने तो अच्छी तरह से फर्क कर लिया। हमारे पहले जितने स्वामी जी साहब पश्चात देश में गए थे वो खाली बक बक करके आए, असल चीज नहीं था। और हमको बहुत आदमी कहते स्वामी जी आप खूब काम किया, खूब काम किया, और देखो जी हमारा कुछ क्रेडिट है। हाँ, हम इतना ही किया है जो ये कृष्ण में कोई एडल्टरेशन नहीं किया, इतना कृष्ण जैसे है वैसी है रीति। देयरफॉर वी हैव पब्लिश भगवद गीता, भगवद गीता है रीति विदाउट एनी मैन इंटरप्रिटेशन। तो इसको हम देख रहे हैं, इसमें बहुत काम हो रहा है। हमारा भगवद गीता एज इट इज मैक्समिलियन कंपनी जो सबसे बड़ा पब्लिशर है वर्ल्ड में, तो वो हर एक वर्ष में एडिशन पब्लिश करता है, कम से कम 50,000 लाख छपता है, खूब इतना फिफ्थ एडिशन हो गया। तो आप लोग सब वृंदावनवासी है, आपको हम क्या समझाएंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप लोग सब हमारा गुरु है, हमको आशीर्वाद कीजिए। बाकी इतना ही कहना है, आपसे निवेदन करना है, जो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट का ग्राहक बहुत, ये जो हमारा अभी 66 ब्रांच है और सब जगह में थोड़े जा सकते हैं, संभव नहीं। समझ 66 ब्रांच है,